सातवें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। फाइनली इन लोगों को याद आया, जब हम लोगों ने आईना दिखाया तो इन लोगों को बिहार और बिहारियों की चिंता हुई। सातवें चरण में इन लोगों ने बिहारियों की सुध लेने की सोची है। क्या मूर्ख हैं हम लोग, नहीं समझ में आता कि 6 चरण तक किस तरीके से बिहार बिहारियों की अनदेखी की। भाई अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो नहीं साथ देने वाला बिहारी। आखिरी में आकर अगर आप सोचिएगा कि बिहार और बिहारी आप लोगों का समर्थन कर देगा तो कतई नहीं होने वाला। ये फैसला पहले ही अब तैयार हो चुका है, 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी। किस तरीके से NDA गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज़्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। हाँ तो भाई लिखे पत्र, उसमें क्या है? आरक्षण को लेकर हम लोगों की सरकार की, मेरे प्रधानमंत्री जी की, देश के गृह मंत्री की, तमाम NDA के घटक दलों की नीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। और जो लोग आरक्षण को लेकर डराने का प्रयास करते हैं, भाई कांच की हांडी बार बार नहीं नचड़ती। 2015 में ये प्रयास आप लोग कर देख चुके हैं। ऐसे में ना आरक्षण को कहीं कोई खतरा है, ना संविधान को कहीं कोई खतरा है। जिस तरीके का भ्रम, डर फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बार बिहारी डरने वाला नहीं है। बिहारी जानता है कि ये बातें बोलकर सिर्फ आप भ्रमित इन लोगों को करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जेल भेजने की बात कर रहे हैं, 4 महीने बाद वो डर गए हैं। 35 साल का बुजुर्ग से युवा से डर गए हैं प्रधानमंत्री। भाई देखिए, ये तमाम बातें न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी को डराने की सोच के साथ नहीं। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं, और यही बात मेरे प्रधानमंत्री ने कही। जहां तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से, जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से EVM पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो 1 तारीख के बाद से 4 तारीख तक ये रोना गाना चलेगा EVM को लेकर, और 4 तारीख के बाद तो फिर स्पष्ट ही हो जाएगा कि EVM का दोष है, कैसे NDA को 400+ सीटें आ गईं। ये तमाम बातें अब उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में परिणाम आने वाले हैं। बहाने तैयार करने की रणनीति पर अब काम किया जा रहा है। नॉर्मल ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।